नज़ारा देखिए गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। पानी ही पानी, ये आइलैंड लेक है और इसके ऊपर जो बीच में इन्होंने ब्रिज जैसा बनाया है। इम्पोर्टेंट चीज है, लिखा है कॉशन अलाइव वास्प नेस्ट। अलाइव वास्प? अलाइव एक्टिव। हाँ जी, हाँ जी, मैं जा रही हूँ। नो दे आर नॉट, दिस पर्सन इज ही या शी, ही हिम, एंड इट्स दिस लेडी इज शी, दोज आर एडजेक्टिव्स, यू डोंट गेट इट। आइलैंड लेक कंजर्वेशन एरिया, ये कंजर्वेशन एरिया है जो आइलैंड लेक के चारों तरफ फैला हुआ है। आइलैंड लेक 182 हेक्टेयर में फैला हुआ एक जलाशय है जो जिसका पानी काफ़ी शांत है, इसलिए ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक आइडियल जगह है, जैसे कि कनोइंग, कायाकिंग, यहाँ पे फिशिंग भी होती है। सो दोस्तों, पहला स्टॉप है बूस्टर जूस, और ये है क्योंकि आज बहुत गर्म दिन है। लकीली आज गर्म दिन है, बहुत दिन से बहुत ठंडी हो रही थी, पर आज है 21 डिग्री, सो इट्स अ वार्म डे। जूस वाला ऑरेंज एंड हवाईयन सनसेट। हवाईयन सनसेट, दिस इज हवाईयन सनसेट। यस, आइस तो नहीं डाली ना? नो, बोथ ऑफ देम आर विदाउट आइस। सो गाइस, ये है ऑरेंज, ये मेरी चॉइस है, विदाउट आइस ऑरेंज, और ये हवाई एंड समथिंग समथिंग सर जी लेंगे विदाउट योगर्ट। नव्या का दूसरी जगह से लेगी ना नव्या? ओह, आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है, दिखाना जरा, फैंसी नाम था क्या? फज फज, कुछ आइसक्रीम ही है, उसमें कुछ तो भी डाले हुए हैं। अभी पूरा खत्म करना है नव्या, तेरे को ले। एडमिशन फी फॉर एडल्ट्स इज $7.75। यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जाती है साइकिलिंग करने के लिए। देखिए, पूरी फैमिली फुल सेटअप के साथ साइकिलिंग कर रही है, और वॉक, और बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत बड़ा एरिया है कवर करने के लिए। नज़ारा देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई मूवी बनी होगी, या क्या पता हमने देखी भी हो। पानी के बीच में ब्रिज बनाया है, और उस पर पूरा साइड में चारों तरफ आपको पानी दिखाई देता है। कितनी शांति मिलती है, ज़रा देखिए। वीडियो पता नहीं कितना जस्टिस कर पाता है, पर आँखों से बहुत ही सुहावना है। यहाँ पे आके तो वंडरस सी फीलिंग आती है, एकदम अनरियल लगता है, जैसे एकदम मूवी से है। इतना प्यारा लगता है ओशन, फिर सनसेट, क्या ही बोलूं अभी तो। ये कंजर्वेशन एरिया ऑल सीजन ओपन रहता है। समर्स में आपको पता है पिकनिक के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, बोटिंग के लिए आते हैं, बट विंटर्स में भी यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे स्कीइंग होती है, और आइस फिशिंग भी होती है। आपने शायद किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, ऊपर स्नो जम जाती है, कट करके लोग अंदर से फिशिंग करते हैं। वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर मौका मिला तो शायद हम आएंगे आइस फिशिंग देखने के लिए। आप नज़ारा देख लो अभी बस। मामा, आपको मालूम है आप यहाँ पे बोट ला के बोटिंग भी कर सकते हो, पर हाँ, आपको 6:30 तक बोट निकालनी पड़ेगी, तो ज़्यादा देर भी आराम नहीं कर सकते हो। और आपको मालूम है यहाँ पे आप डॉग्स को भी ला सकते हो। मैंने बहुत सारे टाइप्स के डॉग्स देखे, पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ऑफ लीश कभी भी नहीं हो सकते, हमेशा ऑन लीश होने चाहिए। और वन मोर थिंग, क्या बोल रही थी? आप बोल रहे थे कि मम्मा यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक बीच होनी चाहिए, यहाँ पे एक बीच होनी चाहिए, काश हम यहाँ पे पानी में जा सकते। तो फेवरेट एक्टिविटी है, हाँ, पानी में जा सकते। ओ
स्विमिंग कर सकते, खाना खा सकते, पर सैडली आज यहाँ पे बनाया नहीं है, बस आइलैंड सा है। और अगर बीच होती भी तो यहाँ पे तो पानी एकदम ठंडा है। एंड गाइस, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद एयर हियर, यहाँ हवा हमेशा इतनी क्यों चलती है। टेम्परेचर बहुत बढ़िया था ना, घर से निकले तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, वार्म। यहाँ पे इतनी तेज हवा है, बस हमने स्टाइल में जैकेट पहनी नहीं है, वो पहननी चाहिए ऐसा लग रहा है। यहाँ पे लेक सेफ्टी फ्लैग्स की इंफॉर्मेशन है, ग्रीन, येलो एंड रेड। करेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड फ्लैग ऑन है, इसका मतलब कि नो वाटरक्राफ्ट रेंटल्स आर अलाउड एंड द कंडीशंस आर नॉट सेफ फॉर वाटरक्राफ्ट्स। ऑन माय बैक साइड आप देख सकते हो एक शॉप है, उसका नाम क्या है, आइलैंड लेक रेंटल्स एंड स्नैक शॉप। रेंटल्स जो भी छोटी मोटी बोट्स वगैरह मिलती है, शायद जाके देखेंगे, अभी बंद है रेड फ्लैग की वजह से। उसके अलावा स्नैक शॉप भी है। आप क्या कर रही हो बंदर की तरह लटक के? यहाँ भी इन्होंने मैप दिया हुआ है जो हमारा एंट्रेंस पे था, इसको आप यहाँ से फ़ोटो खींच सकते हो। स्कैन करने का ऑप्शन नहीं है, काफ़ी जगह स्कैन करने का ऑप्शन भी होता है, बट टेक अ पिक्चर ऑफ द मैप। देखो बच्चे कैसे आ रहे हैं भागते हुए, पर हवा ने हमारे बालों के मैगी नूडल बना दिए हैं, घर जाके इनको सुलझाने में नवे तो अच्छी रहेगी, बांधे हुए बाल। नव्या का स्नैक टाइम और सिया की नज़र है नव्या के स्नैक पे, दे दे। एक बहुत अच्छा नज़ारा देखिए, ये एक कपल बैठा है, एल्डरली कपल है, बहुत देर से बैठे हैं और सिर्फ वो लोग बात भी नहीं कर रहे, पानी की तरफ देखे जा रहे हैं। अलग ही लोगों को शायद फीलिंग आती होगी यहाँ पे, तभी आते हैं पानी के सामने, तो पता नहीं पानी में क्या जादू होता है। मांग रही हो, खिला दे उसको। और मांग रहा है ना बेबी, ये देख। उसके मुंह पे लगा दे, उसको बाइट करने दे। कैसे बाइट करती है, लो लो आप अपने आप बाइट कर ले। ओह, ओह या, गुड जॉब, गुड जॉब। गाइस ये देखिए मेरे पीछे एक ट्रैक्टर खड़ा है, जॉन डियर, पर इसकी हाइट थोड़ी कम है ना, और पीछे रूटरावेटर होता है ना, एक पीछे वाला रूटरावेटर है छोटा सा। ये देखो ट्रैक्टर देख के मज़ा सा आ जाता है। हमारे पास एक ट्रेली है अपनी खुद की, देखिए आपने ये रही। चार पहिए वाली ट्रेली, छोटी है तो क्या हुआ, ट्रेली तो है। यहाँ से बर्ड्स बहुत दिख रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपको, शायद पता नहीं इसमें नहीं आ रही होगी आवाज़, पर हमको सुनाई दे रही है बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़। गीज की आवाज़ है ये देखो, बच्चों ने यहाँ पे गेम्स वगैरह खेले हुए हैं, ये बीच पे बनाते हैं ना कैसल्स एंड ऑल, कैसल्स वगैरह सब बनाए हुए हैं। नाइस, खेलेगा ना बेबी, खेलेगा यहाँ पे, खेलेगा यहाँ पे। आप नेक्स्ट ईयर बनाऊँगा मैं कैसल, नेक्स्ट ईयर बना दूँगा मैं ना, अभी नहीं आता मुझे, नेक्स्ट ईयर देखना आप। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ब्रिज,
ऐसा सस्पेंशन वाला नहीं है जैसे हमने बेल फाउंटेन में देखा था, नॉर्मल वाला, पर तब भी अच्छा तो है एकदम। ये इस रिवर के ऊपर से जाता है और आप साइड में देख सकते हो। पर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है लिखा है, कॉशन अलाइव वास्प नेस्ट, वास्प एक्टिव वास्प नेस्ट। वास्प नेस्ट क्या होता है, आपको तो बी नेस्ट तो मालूम है, वास्प नेस्ट भी जैसे ही होता है पर ज़्यादा डेडली होता है ऐसे बोल सकते हो। तो अभी दिख तो नहीं रहा किधर है, पर कॉशन रखो। क्या नज़ारा है यहाँ से, आप वहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस में, वो गीज है, कनाडा का नेशनल बर्ड। ट्री के बीच में लोगों ने ऐसे प्लांट किया हुआ है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतनी ज़रूरत है, क्योंकि आप नज़र घुमा के देखिए ऑलरेडी नेचुरल प्लांट्स इतने ज़्यादा है ना नव्या। और वहाँ पे लिली पैड्स है, जैसे लोटस का प्लांट होता है वैसे उनकी रूट्स दिख रही हैं पूरे इधर छोटे से पॉन्ड में, और बीच में ये ब्रिज बनाया है आप देख सकते हो, और ब्रिज के उस तरफ फिर से हमारा वही लेक। दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड एज आइलैंड लेक कंजर्वेशन एरिया। आई डोंट नो गाइस, पेड़ को क्या हुआ है, नेचुरली ऐसे पत्ते होने चाहिए, या देखो पत्तों में सब में काले काले डॉट डॉट है, जैसे जल जाता है ना, और ये टेक्सचर भी ऐसा है जैसे जल गया है। बट ये सिर्फ इन कुछ पत्तों में नहीं है, आप ज़रा ऊपर देखिए पूरे पेड़ में सारे पत्ते ऐसे ही हैं, प्लांट ही ऐसा है या पता नहीं, बट देखो देखने में सुंदर लग रहा है, ऐसे डॉट डॉट किसी ने जिसे उसके ऊपर ड्राइंग की हुई है, अच्छा लग रहा है ना। इसमें आ रहा है क्या वीडियो में, समझ नहीं रहा होगा, बट मैंने आपको पास से दिखाया है, इसमें ऐसे काले काले धब्बे हैं। गाइज, ये कंजर्वेशन एरियाज मुझे हमेशा हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ की याद दिलाते हैं। आप बोलोगे इतनी बढ़िया जगह है, हॉरर मूवीज़ की बात कर रही हो, तो पीछे देखो ज़रा, यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, इतने बजे खुलता है, 7 बजे बंद होता है। व्हाट इफ़ कोई आया और बाहर नहीं गया, कौन ट्रैक करता है उसको, पता नहीं। और यहाँ पे ऐसी जंगल के बीच में ऐसे पीछे देखो ज़रा, ऐसी ट्रेल बनाई हुई है, लोग जाते जाते हैं जाते जाते हैं, कैसे ट्रैक करोगे कौन बाहर आए वहाँ से, और ये कहाँ तक जा रही है, लेट हो गए कहीं अटक गए, कुछ तबीयत ख़राब हो गई, तो नेवर नो, रात को रुकना पड़ा इधर तो। मुझे डर लगता है सोच के भी, जस्ट रैंडम थॉट है, डरना नहीं, आप आ सकते हो आप देखने के लिए। सो गाइज, दिस वॉज अनदर वीडियो ऑफ कंजर्वेशन एरियाज इन ऑन्टेरियो नियर टोरंटो। अगर आपको ऐसा कुछ देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे दूसरे वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड अबव समवेयर हियर एंड देयर। सो गाइज, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको पता क्या करना है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लिविंग लाइक आंटी। ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।